एक बिजनेस प्लान किसी बिजनेस को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसकी स्ट्रैटेजीज को, वो किस मार्केट में काम कर रहा है और उसके फाइनेंशियल फोरकास्ट क्या है बताता है। बिजनेस प्लान बताता है कि नए बिजनेस का गोल क्या है और उसे कैसे अचीव किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बनाया जाता है, लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस कुछ नया कर रहा है तो वो भी बिजनेस प्लान बनाकर आगे बढ़ता है। दोस्तों, जब भी कोई नए बिजनेस आइडियाज पर काम करता है तो उसको लेकर जरूर कुछ प्लानिंग करता है। वो सोचता है कि मेरा बिजनेस क्या होगा, मैं कहां से ये बिजनेस करूंगा, मेरे कस्टमर कौन होंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करेंगे, हमारा लक्ष्य क्या होगा, ETC। लेकिन बहुत से लोग इन चीजों को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं करते। बिजनेस प्लान दरअसल इन्हीं बातों को फॉर्मली डॉक्यूमेंट करना है। यहाँ ये भी क्लियर करना जरूरी है कि बिजनेस प्लान सिर्फ स्टार्टअप्स ही नहीं बनाती, बल्कि एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस भी किसी भी स्टेज पर एक बिजनेस प्लान बना सकते हैं, खासतौर पर जब उन्हें अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए फंडिंग की जरूरत हो। ये भी ध्यान रखिए कि बिजनेस प्लान में लिखी बातें पत्थर की लकीर नहीं है, समय समय पर परिस्थितियों के हिसाब से बिजनेस प्लान में बदलाव किया जा सकता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, तो वे ये जान लें कि स्टडीज में पाया गया है कि जो बिजनेस एक अच्छे बिजनेस प्लान के साथ शुरू होते हैं उनकी सक्सेस होने के चांसेस 30% तक बढ़ जाते हैं। इन चीजों के अनुसार आप किसी भी समय एवेल्युएट कर सकते हैं कि आप जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं वो सही है या अपना कोर्स चेंज करने की जरूरत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस प्लान का रोल बस एक्सटर्नल फंडिंग लेने में होता है। ऑफ कोर्स पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, बैंक्स, वेंचर कैपिटलिस्ट आपके आइडिया में पैसा लगाने से पहले बिजनेस प्लान जरूर मांगते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ फंडेड हैं तो भी आपको बिजनेस प्लान जरूर बनाना चाहिए। ऐसा करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके खुद के दिमाग में क्लैरिटी आती है कि एग्जैक्टली आप क्या और कैसे करना चाहते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी अपनी पूरी योजना के मुख्य बिंदुओं का एक सार है। इसमें बिजनेस प्लान के बाकी सेक्शंस की मुख्य बात इंक्लूड होती है। इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी के की फीचर्स से लेकर फाइनेंशियल फोरकास्ट की प्रमुख बातें बताई जाती हैं। इसका उद्देश्य होता है कि बिजनेस की बेसिक बातों को अच्छे से बताया जाए। अगर एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ने के बाद कोई ये समझ लेता है कि बिजनेस किस बारे में है और इसके बारे में और अधिक जानना चाहता है तो समझिए एग्जीक्यूटिव समरी ने अपना काम कर दिया है। एग्जीक्यूटिव समरी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, 2 पेज पर्याप्त है। साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि ये रोचक भी हो ताकि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इसे पढ़कर आगे और जानना चाहें। चूंकि इस सेक्शन में बाकी के बिजनेस प्लान का सार होता है, इसलिए इसे अंत में लिखना बेहतर रहता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का छोटा सा डिस्क्रिप्शन, आप कौन हैं, आप क्या बेचने या ऑफर करने का प्लान कर रहे हैं, क्यों और किसे। बिजनेस के ओवरव्यू के साथ शुरू करें। आपने बिजनेस कब शुरू किया या कब से शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। अब तक कितना इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है, कितनी प्रोग्रेस हुई है, आपका बिजनेस किस टाइप का है और किस सेक्टर में आता है। कोई इतिहास, जैसे कि यदि आपने ये बिजनेस किसी से बाय किया तो पहले इसका मालिक कौन था और उन्होंने इससे क्या हासिल किया। इस समय का लीगल स्ट्रक्चर, आपका फ्यूचर विजन। इसके बाद अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सरल शब्दों में बताइए और समझिए कि इसे क्या अलग बात है, ये क्या बेनिफिट्स देता है, क्यों कस्टमर्स अन्य कंपेटिटर्स की बजाय आपसे इसे खरीदेंगे, आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कैसे डेवलप करने की योजना बना रहे हैं, क्या आपके पास कोई पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स या डिजाइन रजिस्ट्रेशन है, आपकी इंडस्ट्री के की फीचर्स और सक्सेस फैक्टर्स क्या क्या हैं। इस सेक्शन में आपको अपना बाजार, उसमें आपकी पोजीशन और अपने कंपेटिटर्स को डिफाइन करना चाहिए। ऐसा करने के लिए आप किसी मार्केट रिसर्च जो आपने की हो का रेफरेंस दे सकते हैं। इसमें आपको ये दर्शाना होता है कि आपको जिस मार्केट में काम करना है उसकी आपको अच्छी समझ है और आप जरूरी ट्रेंड्स और मार्केट कंडीशंस को समझते हैं। इसमें आपको ये बताने की कोशिश करनी होती है कि प्रतिस्पर्धा के बावजूद आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे और अपना बिजनेस रन कर पाएंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल रिच वानी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।